औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हैरियत से घर में सेफ होंगे। बच्चों, अल्लाह ताला जो है आप लोगों को इन तमाम बीमारियों से महफूज रखे, और जो इस बीमारी में मुबतला है, कोरोना जैसे मर्ज में जिस बीमारियों में, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। ठीक है बच्चों, अब मेरे सामने मैंने आप लोगों के सामने अब रखी इस्लामियात की बुक भी और साथ कापी भी। तो बच्चों, हमने कापी वर्क करना है। इस्लामियात की बुक रखने का या किसी सब्जेक्ट की बुक रखने का मेरा यही एम है, यही मकसद है कि ताकि आप उसी से रिलेटेड कापी पर काम करें। ठीक है ना बच्चों, तो क्योंकि बास औकात काम जो है वो रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, तो दोबारा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन लाइन लगाएं। 24 जून 2020 जुमात का काम एंड बुध बेपेज दाल और हेड दो आंकड़ों। ठीक है बुध, अब हम यहाँ लिखिए सीन बे का बग सबक नून मीम बेरे बर सब नंबर सात काफ आधा ऊपर आधा नीचे आएगा और रे भी। ठीक है, एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे एन नून वाले वान उषा के नुनवान। ठीक है, उनवान लिखेंगे हम लोग। हेज़ो अदाज रहते रात हज़रत मीम ए मीम दाल माद मोहम्मद उसके ऊपर स्वाद और रेत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनेगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर अब हमारे पास सात है, हम लोग पहले कर रहे हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है ना, अपनी कापी पर ये अब सातवें हैं और हमारा लेक्चर नंबर है 11। अलमद आप ऐसा के नाप स्वाद सल्लम ने ए मीम जे मे नून गुना हमें स्पेस दे के क्या हुआ कौन उषा के कौन स्पेस दे के सीन छोटी ये सी फिर एक लाइन छोड़नी है आप लोगों ने स्पेस भी देनी है ताकि आपकी राइटिंग अच्छी आए। बे अलबात तैयार तेन उनको ना बातें फिर स्पेस देके बे ते अलिफ्ता हमजा ये उनको ना बताएं आप सल्लम ने हमें कौन सी बातें बताएं। अब एक लाइन छोड़ के जीम वाव जवाब ऐसा के जवाब आप सल्लम ऊपर से आएगा ने भी हमें ए मीम जे बे उनको ना हमें जैन उजैन दाल काफ छोटी येगी जिंदगी लाइन छोड़ें ग्याव जेल जा रहे नून बर जे गुजारने फिर स्पेस दे के फिर स्पेस दे के लाम ये बर ये लिए अलिफ छे छोटी ये छी अच्छी फिर अलिफ छे छोटी ये छी अच्छी अच्छी बे अलबात ये थे नून गुना बातें बे तेल ताम से ये नून गुना बताएं फुल स्टॉप आएगा बातें बताएं आप ऊपर से कर सकते हैं जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी अच्छी ये आप याद करें लेकिन आंसर पूरे राइट करने हैं पेपर्स में। सवाल नंबर 8 है आपके ऊपर से सलम लगाएं का नाम सीन के दो शोशे नून का एक ये का एक और नून गुना सुने आपका नाम सीन नून ये ने नून गुना सुने तो क्या क्या फे नून ना कहना चेल चाहे ये बजिए चाहिए आप सल्लम का नाम सुने तो क्या कहना चाहिए। बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जी। बच्चों, आप नेक्स्ट पेज आ गए यहाँ पर मार्जिन लाइन लगाएं जवाब जीम और बेसा के जवाब जीम बे जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वाद रहे ऊपर लगाएं का नाम बेवा बोल लाम ये ले नून गुना बोलें या सीन नून ये ने सुने नून गुना सुने तो स्वाद के साथ लाम बना के छोड़िए सले अला आगे अल्लाह एन लाम ये है अलह। ठीक है, वाओ अलिफ अलमदा लाम के साथ नीचे खड़ी जेर वाओ अलिवा लाम ये लिवाली वाओ सीन लामी वसलम वाओ सीन लामी वसल सल्लल्लाहु अलैहि वसलम क्या फ़ेन उलमना कहना चेहर चाहे ये भाई ये चाहिए। मैंने आपको सिंपली बता देती हूँ कि जब आप सब का नाम बोलें या सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए बच्चों और लिखना भी पूरा चाहिए। लेकिन ये होता है कि बाजू का टाइम के मैनेजमेंट की वजह से या वैसे भी हम स्वाद ऊपर लगा देते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा बोला करें। हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबक ख़त्म हो गया है। ठीक है ना बच्चों, लेक्चर नंबर 11 था। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें।